अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का। बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता क्या है, और इसी को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, कि अगर आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखें और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाएँ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो कम होता चला जाता है। जैसे कि अगर आप मशीनरी आपने फिक्स रखी हुई है, लेकिन अगर आप लेबर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हर नया आने वाले लेबर के पास काम करने के लिए मशीन अवेलेबल नहीं होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर लेबर की जो एफिशिएंसी है वो कम होता चली जाएगी। लेकिन आप उसको वेज तो उतनी दे रहे होंगे जितने दूसरे लेबर को भी दे रहे थे, तो हर न्यू लेबर को हायर करने की कास्ट आपके पास बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर नया आने वाला लेबर पुराने वाले लेबर के मुकाबले में आपको कम यूनिट बना के दे रहा होगा। तो इस वजह से अगर एक फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स है और दूसरा आप बढ़ाते चले जाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एफिशिएंसी लेवल कम से कम होता चला जाएगा।